करते सरकारी आदेशों को दिखाया जा रहा है ठेंगा। तो घर बैठकर वेतन उठा रही प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल, महीने में सिर्फ दो बार ही विद्यालय में दर्शन देती हैं, ये प्रधानाध्यापिका। एबीए से सूरजगंज से कई बार शिकायत कर चुके हैं ग्रामीण, लेकिन कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा विभाग में कारनामे जो है उसको चलते आपको बता दें, रसूखदार प्रिंसिपल पर एबीएसए नहीं कर सकते कोई भी कार्रवाई। प्रिंसिपल की मनमानी से चौपट हो रहा है स्कूल के छात्रों का भविष्य। तो आपको बड़ी खबर हम बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां पर सरकारी आदेशों को दिखाया जा रहा है ठेंगा। घर बैठकर वेतन उठा रही है प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल मैडम, तो महीने में सिर्फ दो बार ही विद्यालय में दर्शन देती है ये प्रधानाध्यापिका। और एबीएसए सूरजगंज से कई बार शिकायत कर चुके ग्रामीण। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामरान अलवी हमसे जुड़े हैं। कामरान, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर एबीएसए महोदय काहे नहीं प्रधानाध्यापिका पर कार्रवाई कर रहे हैं। जी, आपको बता दें ये पूरा मामला ये सूरजगंज विकासखंड के करमुल्लापुर प्राथमिक विद्यालय का है, जहाँ पे तैनात प्रिंसिपल साहिबा हैं, ये काफी समय से विद्यालय नहीं पहुंच रही हैं। और जैसा कि वहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनके अभिभावक हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये महीने में सिर्फ एक या दो बार आती हैं और महज खाना पूर्ति करके फिर वापस चली जाती हैं। और बताया जा रहा है कि काफी रसूखदार हैं प्रिंसिपल साहिबा, जिसके चलते जो अधिकारी हैं वो शिकायतों पर कार्रवाई का आश्वासन तो देते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी तरह की कार्रवाई करने का काम नहीं कर पा रहे से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या बीएसए महोदय भी साथ बैठे हैं रसूख के आगे? जी बिल्कुल, बीएसए साहब से भी कल हमने कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन वो इस बारे में कोई बात नहीं करे हमसे। और अपने किसी प्रोग्राम में व्यस्त होने का हवाला देके उन्होंने इस बारे में कोई भी बात करने से आनाकानी करते नजर आए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो ना एबीएसए ना बीएसए, दोनों महोदय जो है नतमस्तक है रसूखदार प्रधानाध्यापिका के सामने। तो सूरतगंज एबीएसए से कई बार शिकायत कर चुके हैं ग्रामीण, लेकिन रसूखदार प्रधानाध्यापिका के आगे बस बेबस नजर आ रहे हैं। और कानपुर देहात से इसी बीच एक खबर आपको बता दें, पराली जलाने के मामले में कार्रवाई की गई है, तो लापरवाही बरतने पे लेखपाल श्रवण कुमार को निलंबित किया गया है और दो किसानों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। अकबरपुर तहसील क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर दो किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एक लेखपाल को निलंबित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर देहात से आपको बता दें, लगातार पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं, उसी को देखते हुए एक बड़ी कार्रवाई हुई है कानपुर देहात में। अकबरपुर तहसील क्षेत्र का मामला है, जहां पर लापरवाही बरतने वाले लेखपाल श्रवण कुमार को निलंबित किया गया है और इसके साथ ही दो किसानों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो पराली जलाने को लेकर के जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त है, उसके चलते प्रशासन भी जो है वो अब सख्त रूप अपनाते नजर आ रहा है। लापरवाह अधिकारियों पर गिर रही है गाज, उसी के चलते कानपुर देहात में लापरवाही बरतने वाले लेखपाल श्रवण कुमार को निलंबित किया गया और साथ ही साथ दो किसानों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।